हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब मॉम चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं हर माँ की चिंता के बारे में। हर माँ यही चिंता करती है कि बच्चा पेट में चल नहीं रहा है। बच्चे का मूवमेंट करना बच्चे की गुड हेल्थ को बताता है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि इसके पीछे यही एक बात। बच्चे का मूड, उसका नेचर भी इन चीजों को इन्फ्लुएंस करता है। लगभग 18 से 22वें हफ्ते के बीच में बच्चे का मूवमेंट पेट में स्टार्ट होता है। अगर आपकी दूसरी प्रेगनेंसी है तो आपको ये इससे भी जल्दी महसूस हो सकता है। लेकिन अगर आपका बच्चा कभी कभी मूव करना बंद कर दे, ठीक से मूवमेंट नहीं आ रहा, वैसे 10 से 12 किक्स एक दिन में हेल्दी मानी जाती है। कई बार हम व्यस्त होते तो हम उसे महसूस नहीं कर पाते, लेकिन ऐसी कंडीशन है कि आपका बच्चा आपको मूवमेंट करता फील नहीं हो रहा तो आप परेशान हो जाती हैं। ऐसी परेशानी को कैसे दूर करें, बच्चे को कैसे मूवमेंट कराएं, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ये आइए हम जानते हैं। सबसे पहला काम कि अपने ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाना है। ब्लड शुगर लेवल कैसे बढ़ेगा, जब आप कुछ मीठा खाएंगी। मीठे में आप अगर खाना ठीक से नहीं खा रही है तो आप कुछ मीट ले लीजिए, कुछ फ्रूट ले लीजिए, कुछ फ्रूट्स खा सकती हैं, कुछ जूस पी सकती हैं, ORS पी सकती हैं, नींबू पानी ले सकती हैं, कुछ भी मीठी सी चीज जो कि इंस्टेंटली आपका ब्लड शुगर लेवल इंप्रूव करती हो वो आप लें, जिससे कि बच्चे को इंस्टेंटली एनर्जी मिलेगी। कोई ऐसी चीज ना खाएं जो कि हार्मफुल हो और न्यूट्रिशन में पुअर हो। आप फल प्रेफर करें, फ्रूट्स या उनके जूस आपके लिए सबसे अच्छी चीज है। दूसरा काम आप कर सकती हैं चाय या कॉफी। हालांकि प्रेगनेंसी में ये पीना मना है, लेकिन कई बार कॉफी लेने से, चाय लेने से या फिर गुनगुना दूध लेने से जिसमें हनी या शुगर एडेड हो, कुछ मीठा हो उसके अंदर मिल्क में, वो लेने से भी बच्चे के मूवमेंट में इम्प्रूवमेंट देखा गया है। आप थोड़ी बहुत चॉकलेट्स जिनमें की कोकोआ बहुत अच्छा हो, मिल्क बेस्ड ना हो, अगर आपको हेल्थ इश्यू नहीं है तो आप जनरल चॉकलेट खा सकती हैं। हेल्थ इश्यू रहा है, PCOS रहा है तो डार्क चॉकलेट्स ही प्रेफर करें। तो चाय कॉफी चॉकलेट या गर्म मिल्क से भी आपको बच्चे के मूवमेंट में फर्क मालूम पड़ सकता है। आप माँ हैं और आपका स्पर्श आपके बच्चे के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, तो जब भी आप अपने बेबी बम्प को सहलाती हैं तो ना केवल आपके हाथ का मूवमेंट होता है बल्कि आपके इमोशंस भी प्ले करते हैं, रोल प्ले करते हैं। तो आपको अगर बच्चे का मूवमेंट कम फील हो रहा है तो आप उसे सहलाएं, आपकी फीलिंग उसको एक्टिव होने में या रेस्पॉन्स देने में प्रेरित करेगी और उसके मूवमेंट आपको फील हो सकते हैं। तो आप बच्चे से बात करें, पेट को सहलाएं, ये बहुत ही जरूरी चीज होती है। कई बार महिलाएं जब पीठ के बल आराम से लेटती हैं तब बच्चा अच्छे से मूव करता है। तो आप इनमें से कई चीजें हैं उनको ट्राई कर सकते हैं, जो चीज आपको सही लगती है, आपका बच्चा उससे रिस्पॉन्स करता है, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अपनी पीठ के बल भी आप लेट के ट्राई करें, बच्चा उससे भी मूव करने की कोशिश करता है। क्योंकि जैसे ही आप स्टेबल होती हैं, एमनियोटिक फ्लूइड में मूवमेंट, हिलना या स्विंग जैसी फीलिंग बंद होती है, बच्चा मूव करता है। तो आप इन सब चीजों को ट्राई कर सकती हैं, इससे डेफिनेटली बच्चे के मूवमेंट में आपको फर्क लगेगा। मूवमेंट नहीं कर रहा तो थोड़ा बहुत आपको मूवमेंट महसूस कराएगा। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपकी चिंता भी इस बात से दूर हो जाएगी। अपना ख्याल रखें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।